जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र ग्राम छबीलेपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर बीती रात सगे देवर ने ही भाभी को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। आपको बताते चले कि यहां की रहने वाली गीता देवी पत्नी शिवराज सिंह यादव की 7 दिन पहले अपने सगे देवर वीरराज सिंह यादव पुत्र लाला राम से विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत थाना बेवर में की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी वीरराज सिंह को जेल भेज दिया। जानकारी देते हुए वीरराज की पत्नी अनु देवी ने बताया कि वीरराज सिंह जब जेल से छूटकर वापस घर आया तो घर पर फिर से अपनी भाभी से झगड़ा किया और घर से भाग गया, और उसी रात गीता देवी छत पर सो रही थी। रात करीब 12 बजे वीरराज सिंह पीछे से लकड़ी की सीढ़ी लगाकर घर पर चढ़ गया और धारदार हथियार से गीता देवी को मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुनकर नीचे सो रहे वीरराज की पत्नी अनु देवी व परिवार के लोग ऊपर पहुंचे, तब तक आरोपी फरार हो चुका था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रात कल दादी दूध गरम करके रखे थी तो मेरा भाई गया, उसमें आग डाल दिया जाकर, तो वो यहाँ पर खाद उपट गई थी। तभी मम्मी चिल्लाने लगी, तभी चाचा आए, मेरा चाचा वो मारने लगे। फिर रात में आज फिर मारा था। रात में किधर से आई, नशा नहीं लगाई थी उधर से? हाँ। पीछे से फिर वहाँ मिली थी, वो अंकल ढूंढ रहे थे, तभी वहाँ पर टकोरा नहीं मिला, नशे नहीं मिल गई, वहाँ पर डाल गए थे। तो किससे मारा उन्होंने? टकोरा से। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अवनीत। मम्मी क्या नाम था? गीता देवी। गीता देवी, तुम क्या बहने हो? 3 बहन 1 भाई। अच्छा, तो किसने मारा मम्मी को? जीजा। अब वो भाग गए रात में। थाना क्षेत्र में देवर ने भाभी की हत्या की है, क्या पूरी घटना है? ये प्रकरण थाना देवर के ग्राम छबीलेपुर का है। कल जो है गीता देवी का विवाद बच्चे को लेकर उसके देवर से हुआ। देवर ने आवेश में आके अपनी भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे गीता देवी गंभीर अवस्था में घायल हो गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है, पंचायतनामा और पोस्टमार्टम तहरीर में।